हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर लास्ट नेक लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था प्रिज्म के बारे में और रेनबोज़ के बारे में रेनबोज़ के बारे में हमने बात की थी लास्ट में कि जो भी आपके रेनबोज बनते हैं दे आर सर्कुलर इन नेचर लेकिन हमें आधे दिखते हैं वाइस सो बिकॉज दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाई अर्थ लेकिन अगर हम ऊपर से देखें तो वो हमें रिंग्स की फॉर्म में सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देंगे आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बच्चों हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है दिस इज दी अर्थ तो उसके इर्द गिर्द जो हमारा एटमोस्फियर है बच्चों दैट इज नॉट यूनिफॉर्म दिस इज दी दटमोस्फियर एंड दिस एटमोसफियर इज नॉट यूनिफॉर्म करेक्ट डेंसिटी डेंसिटी इज डायनेमिक माने चेंज होती रहती है कभी डायनेमिक होती है एंड डायनेमिकली इंक्रीज फ्रॉम आउटसाइड टूवर्ड्स अर्थ इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप डेंसिटी देखोगे इस पोर्शन पे दिस इज मोर दिस इज लेस डेंस लेकिन अगर आप यहां देखोगे वेरी क्लोज टू दि अर्थ दिस इज मोर डेंस करेक्ट वाई सो बिकॉज ऑफ वेरियस गैसेस सो दैट इज वाई इट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड दिस इज आउटवर्ड्स दिस इज टू यानी कि क्लोजर टू अर्थ इट इंक्रीजेस ड्यू टू वेरियस गैसेस डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर पॉलिटेंट्स तो डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की है वो अर्थ के अराउंड ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टूवर्ड्स ट्रॉपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर तब ये डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है और हमें पता है रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है वेन एवर वॉट इज रिफ्रैक्शन Refraction is bending of ray of light away or towards normal depending upon the density of the medium, the density of any medium. मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल कम होगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इट मीन्स देर इज कॉन्टिन्यूस देर इज कॉन्टीन्यूअस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग आर एटमोसफियर क्योंकि हम तो डेंसर रेयर टू डेंसर आ रहे हैं सो इट विल कीप ऑन बेंडिंग and reaches our eyes so there is continuous refraction of light entering atmosphere and reaches our eyes therefore there is fluctuation or flickering of image हमें बार बार इमेज चेंज दिखाई पड़ती है ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब समझने के लिए बच्चों में एक कैंडल लेते हैं ठीक है इस कैंडल को हमने बर्न किया हुआ है अब देखिए इसके अराउंड जो एयर होगी बच्चों वॉर्म होगी और इससे थोड़ी दूर चले जाएं अगर तो यहां जो एयर होगी वो कैसी होगी कूलर थोड़ी ठंडी होगी नजदीक ज्यादा गर्मी होगी करेक्ट इसका मतलब रे ऑफ लाइट जो यहाँ से मूव कर रही है इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर क्योंकि गर्म से ठंडे में जा रही है बिखरा हुआ मीडियम है दूर दूर होंगे रेयर मीडियम होगा डेंसर होगा यहाँ पर सो लाइट फ्रॉम कैंडल मूव्स फ्रॉम वॉम एयर टू कूलर एयर दैट इज रेरर मीडियम टू डेंजर मीडियम तो आपने देखा होगा कि जब हम लोडी जलाते हैं या आग जलाते हैं कभी भी तो उसके आसपास की चीजें की जो इमेज होती है वो फ्लिकर करती है वो चेंज होती रहती है दैट कॉजेज एनी ऑब्जेक्ट सीन थ्रू दिस एयर

कीप्स ऑन चेंजिंग कभी हमें लगता है कोई चीज यहां है कभी लगती है यहां कभी लगती है यहाँ एक्चुअली कहाँ पढ़िए यहां है करेक्ट सो द दरेंट पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग इन कंपैरिजन टू एक्चुअल पोजीशन दिस ईज कॉल्ड फ्लक्चुएशंस इसे ही हम बोलते हैं किसी भी इमेज की फ्लक्चुएशन का होना ठीक सो दिस वेवरिंग ऑफ दिस वेवरिंग ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट और द इमेज इज एन इफेक्ट ऑफ एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसकी एप्लीकेशंस क्या है बच्चों हमें यहां दो एप्लीकेशंस समझनी है पहली एप्लीकेशन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और दूसरी एप्लीकेशन है एडवांस सनराइज एंड डी लेड सनसेट बच्चा दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप ये नहीं सोच सकते कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं दोनों आ सकते हैं दोनों इंपॉर्टेंट है तो चलिए पहले हम देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दैट इज द एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार करेक्ट देखिए इसको ड्रॉ कैसे करेंगे यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर ऑन अर्थ ठीक है जी एंड लेट अस से द स्टार इज ओवर हेयर दिस इज द एक्चुअल पोजीशन नाउ ये बहुत सारी लेयर्स में से क्रॉस होते हुए आएगा हमारे पास हम यहाँ सिर्फ तीन दिखा रहे हैं बहुत सारी लेयर्स होंगी ठीक है सर रे ऑफ लाइट यहाँ ट्रेवल करी आई इसके पास नाउ दिस इज द नॉर्मल इट विल बेंड टू नॉर्मल अगेन दिस इज द नॉर्मल इट विल बेंड अगेन टू द नॉर्मल एंड देन अगेन नॉर्मल इट विल बैंड टू द नॉर्मल एंड इट विल रीच दब्जर्वर ऑब्जर्वर को क्या लगेगा इट इज़ कमिंग फ्राम हियर करेक्ट सो दिस इज दोजिशन ऑफ स्टार तो एक्चुअली में स्टार यहां था बेंड होते 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 लाइट आई और हमें लगता है कि स्टार यहां है अब जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होगी बिकॉज वी नो डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर इज डायनेमिक जैसे जैसे चेंज होगी ये पोजीशन हमें कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, यहां आसपास दिखाई देगी दैट मूवमेंट इज कॉजिंग ए ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार So, how to write it? Since atmospheric density keeps on increasing as we move towards Earth, so the light. Incident from Star continuously bends towards normal and the apparent position and the apparent position of star is different from actual position. Therefore, star appears slightly higher. क्चुअल पोजिशन सो एक क्वेश्चन तो यह बन गया कि स्टार्स जो हमें वो दूर क्यों नजर आते हैं स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजिशन उसका प्रिंसिपल भी क्या है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है नो पोजिशन ऑफ स्टार कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू डायनेमिक फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थस एटमोसफियर बिकॉज हमें पता है गैसेज कीप ऑन मूविंग एटमोसफेयर में क्या है बहुत सारी गैसेज हैं सो गैसेज कीप ऑन मूविंग देयर फोर डेंसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग ठीक एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार Keeps on changing. The apparent position keeps on fluctuating, keeps on fluctuating, and the amount of light. entering our eyes also keeps on flickering therefore starts sometimes looks brighter and sometimes fainter means which is the twinkling of star अब दिमाग में आता है अगर स्टार ट्विंकल कर रहे हैं तो स्टार्स जो तो होते हैं वो भी तो प्लैनेट्स ही होते हैं तो प्लैनेट क्यों नहीं दिखाई देते मून फ्लिकर करता हुआ क्यों नहीं दिखता क्यों नहीं दिखता बिकॉज प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर क्लोजर टू अर्थ एंड The amount of light entering is more, which do not change much. ठीक इसीलिए प्लांट प्लान हमें कभी भी ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते सेकेंड हेंड एप्लीकेशन है बच्चों हमारी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट बच्चों इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है देखिए ध्यान से ये है आपकी अर्थ ठीक है सनराइज हो गया है सन यहां पर है अभी ठीक और ये आपके पास एटमॉस्फेयर बाहर से है तो आपकी सन की रेस कैसे आ रही है बच्चों घूमते 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 आपके पास यूं आ रही है ठीक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है यानी आप यहाँ खड़े हो आपको लगेगा सन कहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है सो so, सन अभी नीचे था लेकिन आपको अपीयर कहाँ हो रहा है ये सो दिस इज द एक्चुअल पोजिशन एंड दिस इज द अपेरेंट पोजिशन ठीक है और इस अपेरेंट पोजीशन की वजह से ही आपको ऐसा लगता है कि सन जो है वो राइस पहले कर गया है और इट दिस इज व्हाट इज योर हॉरिजो तो हॉरिजोन के ऊपर आपको दिखाई देगा ठीक है जी सो so देखिए इसके बारे में क्या समझना है एडवांस सनराइज का मतलब है सन इज विजिबल टू मिनट्स

जो एक्चुअल सनराइज होगा बच्चों उसका मतलब होता है दैट वी कैन सी एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन अबव हॉरिजन नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो कि आपने क्लास लाइन में भी पढ़ा है you must have remembered about the tyndall effect canopy ke andar jab light rays jaati hain to you can find the path of the light or tyndall effect it is shown by colloids colloidal solutions याद आ गया होगा कुछ कुछ हमने किया था uh, uh, milk आ, मिल्क में से देखोगे ब्लड में से देखोगे दे आर कॉल लेस कोलाइड यानी कि दे अपियर टू बी होमोजीनियस मिक्सचर्स बट दे आर एक्चुअली द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स राइट आई होप आपको ये कोलाइडल सोल्यूशंस याद होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बच्चों बड़े concepts हैं. Uh, हम बड़े सारे कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट बेस हम बड़ी सारी चीजें देखते हैं लाइक वाई स्काई इज ब्लू करेक्ट देन कलर ऑफ वॉटर इन डीप सी वो आपका रंग ऐसा डीप सी से आप कहते हैं ना सी ग्रीन कलर होना चाहिए देन सनराइज या सनसेट के ऊपर कलर ऑफ सन इज रेड ये सारी क्यों हो रही है ये सारी चीजें बच्चों डिपेंड करती हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना पे देखते हैं फटाफट ही क्या है इसको समझने के लिए हमें समझना है टिंडल इफेक्ट को तो टिंडल इफेक्ट क्या है द फिनिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट सिंपल है मतलब जब लाइट स्कैटर करती है इट मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल यही हमारा टिंडल इफेक्ट है हमें पाथ ऑफ लाइट दिखना चाहिए सनलाइट लाइट वेन पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट हेयर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट दे स्कैटर लाइट तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं सिंपल सिंपल वो लाइट को स्कैटर करते हैं और हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है पाथ ऑफ लाइट वी कैन सी अभी आपको दो चीजें ध्यान रखनी है बच्चों सबसे पहली ध्यान रखिएगा वेरी फाइन पार्टिकल्स जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट एंड लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर मेनली रेड लाइट और तो दी लॉन्गर वेव लेंथ तो आपको ध्यान रखना है बच्चों वेबग्योर के अंदर रेड की जो वेवलेंथ है डोनेटेड बाय लेमडा और वेबग्योर में वॉयलेट की वेवलेंथ जर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो यहाँ हम सीधे सीधे बात कह सकते हैं दैट स्कैटरिंग पार्टिकल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बड़ा पार्टिकल होगा तो ज्यादा स्कैटरिंग होगी छोटा पार्टिकल होगा तो कम स्कैटरिंग होगी अगर जो लाइट स्कैटर कर रहा है यानी कोलाइडल पार्टिकल स्कैटरिंग पार्टिकल माने कोलाइडल पार्टिकल साइज इज लार्ज इनफ देन लाइट में अपीयर, व्हाइट क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ सारी की सारी जो पार्टिकल्स uh, हैं वो सब स्कैटर हो जाएंगे तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट उस पर डिपेंड करता है इफ डिस्टेंस इज मोर इफ डिस्टेंस इज मोर देन स्कैटरिंग इज मोर

ठीक है ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो कि हम अभी बात करने वाले हैं सो so, सबसे पहला आपके पास आता है दैट वाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू आसमान हमें साफ सुथरा हो तो नीला क्यों दिखाई देता है तो बहुत सिंपल से हमने कहा था अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो ब्लू कलर स्कैटर कर जाएगा ठीक है सो so, हम यहाँ क्या लिखेंगे बिकॉज एयर पार्टिकल्स आर स्मॉलर एंड स्कैटर ओनली ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली न रेड कलर ठीक है इसीलिए स्काई ब्लू दिखता है बट इफ देयर इज नो एटमोसफियर देन स्काई वुड भी ब्लैक जैसा कि आपको यूनिवर्स में दिखाई देता है ठीक है जहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहां पर आपको आसमान काला दिखाई देगा सो so अगर इसका आंसर को लिखना हो हमें कॉन्सेप्ट को तो हमें दो पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं बच्चों पहली चीज आपको ध्यान रखनी है दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर स्मॉलर दैट स्कैटर लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ Than larger wavelength. Check number two. Violet, indigo, and blue has smaller wavelength than. ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड सो स्काई अपियर्स ब्लू दैट इज वाई आपने देखा होगा बच्चों दैट सिग्नल्स स्पेसिफिकली कौन से डेंजर वाले ये आपकी रेड लाइट हम लोग कहते हैं ना स्टॉप हम लोग स्टॉप के लिए कहते हैं तो वो रेड क्यों होती है signals are, are red because signals or danger signals are red because red light of larger wavelength scatters least so visible from large long distance so visible from लार्ज डिस्टेंस hmm. ठीक इसलिए हम डेंजर सिग्नल्स को रेड से बनाते हैं व्हाइट क्लाउड्स आर व्हाइट क्यों क्योंकि बिकॉज रेन ड्रॉप्स scatter all colors equally. so we get all colors and together they form वाइट लाइट इसीलिए हमें आसमान में बादल सफेद दिखते हैं दूसरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों कि सनराइज और सनसेट के ऊपर कलर जो है सन का वो रेड क्यों होता है इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे एक्टिविटी में क्या करना है बच्चों आपने एक कंटेनर लिया ठीक है और इसके अंदर आपने एक सल्फर सॉल्यूशन डाल दिया ठीक और यहां से आपने एक लाइट की रे डाल दी फाइन जब इसके अंदर से गया तो ये कैसा सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन है सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों आर स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सो स्मॉलर वेवलेंथ, सो लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ दैट इज वी आई बी वॉलेट ब्लू विल बी स्कैटर्ड, ठीक सो वॉटर विल अपीयर ब्लू है ना और ऊपर स्कैप के पास स्काई स्काई से लाइट आ रही है तो आपको पानी जो है वो सारी जगह से नीला दिखाई देगा अब देखो वायलेट इंडिगो ब्लू तो स्कैटर हो गए आगे कौन सी लाइट्स जाएंगी आगे जो लाइट जा रही है बच्चों उसके अंदर क्या बचा है ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड लाइट बची है अब ये ग्रीन ऑरेंज और येलो लाइट जो बची है इसको हमने क्रॉस कराया बच्चों एक एक बोर्ड के अंदर से एक जिसमें हमने एक होल किया हुआ है यहां से लाइट क्रॉस करी ठीक है लाइट पास की कार्डबोर्ड में से और यहां हमने एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाया बच्चों कन्वर्जिंग लेंस आप जानते हैं कौन सा होता है कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर भी आपने एक कन्वर्जिंग लेंस डाला था ताकि सारी की सारी लाइट जो है वो फोकस होके इसके अंदर जा सके ठीक है सो लेट अस से दिस इज अ लेंस वन दिस इज अ लेंस टू आपने सल्फर इसमें से डाला स्कैटरिंग होगी स्कैटरिंग हुई तो वायलेट इंडिगो ब्लू स्कैटर करके बची कौन सी लाइट्स ग्रीन येलो ऑरेंज ग्रीन येलो ऑरेंज रेड लाइट आगे पास हुई हमने इस कार्डबोर्ड के छोटे से होल में से इसको पास किया और फिर उसको इस लेंस के ऊपर आने दिया इस लेंस के ऊपर जब आया तो बच्चों हमने इसको एक फिल्म के ऊपर एक स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज को ड्रॉ करने की कोशिश की लेटेस्ट से दिस इज एम एन स्क्रीन। जब ये पहुंची लाइट तो एक फोकस हो जाएगा इसके ऊपर कन्वर्ज होगी लाइट तो जो ये लाइट पहुंची द कलर ऑफ द लाइट दैट वी फाउंड ओवर हेयर द कलर ऑफ लाइट ऑन एम एन वॉज ऑब्जर्वड फर्स्ट एज ग्रीन देन येलो देन ऑरेंज एंड देन रेड यानी कि धीरे धीरे हमें उसके ऊपर अलग अलग कलर दिखाई पड़ने लगे एंड दिस वॉज अ ब्राइट एमिशन ब्राइट एमिशन क्यों क्योंकि हमने सारी लाइट कन्वर्ज कर दी है ठीक है सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग कि आपके पास जो कलर है वो चेंज हो गए ना दो चीजें हुई बच्चों पहली चीज क्या हुई इनिशियली छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके थे फिर उसके बाद आपने एक होल में से पास किया एक लेंस में से पास किया इस लेंस में से जब पास किया तो पार्टिकल्स की जो डेंसिटी थी वो बढ़ गई यहाँ पार्टिकल छोटे थे तो छोटी लाइट वेवलेंथ वाले निकल गए यहाँ पार्टिकल्स बड़े हैं तो बड़ी वेवलेंथ के पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर होंगे सो दीस विल स्कैटर लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ तो यहां दो चीजें हुई पार्टिकल का साइज और डिस्टेंस देखो यहां थोड़ा डिस्टेंस था यहां डिस्टेंस बढ़ गया है तो कलर ऑफ सन सन एट सनराइज एंड सनसेट में भी ये दोनों ही चीजें मैटर करेंगी बच्चों सबसे पहली चीज जितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी मोर स्कैटरिंग मीन्स मोर डिफ्रेंशिएटेड कलर एंड लेस स्कैटरिंग का मतलब है लेस डिफ्रेंशिएटेड कलर्स सो यहां क्या हो रहा है दिस इज वॉट सन ठीक है और ये रहा हॉरिजन नाउ लाइट इज गोइंग टू ट्रैवल लाइट ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंस

दूसरी चीज आप देखिए जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास पहुंचेंगे तो हमारी डेंसिटी बहुत हाई है यहाँ पर डेंसिटी हाई है डेंसिटी हाई का मतलब क्या हो गया पार्टिकल का साइज भी बड़ा है सो so, पहला कॉन्सेप्ट डिस्टेंस दूसरा ट्रेप्स कॉन्सेप्ट पार्टिकल का साइज सिंस द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्ज

therefore at sunrise and sunset sun appears red in color or reddish orange kehna chahiye reddish in color specifically dhyan ye rakhna hai bachcho horizon देखो सनसेट या सनराइज जो है वो हॉरिजन के आसपास होता है है ना यहाँ पर अगर sun की position है तो भी horizon के पास है यहाँ sun की position है तो भी हॉरिजन के पास है एंड डेंसिटी एट हॉरिजन इज मैक्सिमम डेंसिटी एट हॉरिजन या इक्वेटर इसे आप इक्वेटर से भी रिलेट कर सकते हो डेंसिटी एट इक्वेटर इज मैक्सिमम ठीक है इसीलिए यहां पे लार्जर पार्टिकल का साइज आपको मिलता है ठीक इसीलिए सनराइज या सनसेट पे सन हमेशा आपको लाल रंग का या ऑरेंजिश रेड मिलता है बट वेन सन इज ओवर हेड एट नून दोपहर में देन लेस स्कैटरिंग टेक्स प्लेस कलर अपीयर्स वाइट इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं फटाफट देखिए हमें पता है अर्थ जो है हमारी बच्चों वो एलिप्टिकल है है ना कुछ इस तरह से ओवल है ओवल का मतलब इक्वेटर बड़ा है इक्वेटर का रेडियस जो है वो अस से आर वन है हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था दिस इज द पोलर डिस्टेंस आर टू We know that R1 is more than R2. So, agar sun yahan hoga. Horizon ke around So, it has to travel more distance. So, sunlight travels more distance at equator. Right? Also, density is

And number two, density away from Earth is less. So is say at noons less scattering is observed. Also Scattering of only VIB is observed. So, sky appears white or light blue in color. So, with this, we end this chapter that is the human eye and the colorful world. I hope you enjoyed this chapter. Take care and keep smiling and keep studying. Goodbye.